पूरे विश्व की जनता के अंदर ये कौतूहल का विषय है, क्या वो ज्योतिर्लिंग है, क्या वो स्वयं बाबा विश्वेश्वर का लिंग है, ये अपने में ही एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं मान सकता हूँ कि 80% शिवलिंग है और 20% मैं ये मान सकता हूँ कि ये जांच का विषय है और ये इसको पुरातत्व विभाग जांच करके और राष्ट्र के सामने लाएगा, तब इसे माना जा सकता। नमाज पे रोक नहीं, संख्या निर्धारित की गई और संख्या निर्धारित करने के बाद क्या कहते हैं नमाजियों को, क्योंकि जैसा कि वहाँ पे जो वजू खाना है वहाँ पे पानी को खाली करा के, और ऐसा भी कहा जाता है कि नमाज के पूर्व वजू खाने में जाना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़े, तो इसके कारण वो किया गया। हमारी जो प्राचीन धरोहरें हैं वो हमें मिलनी चाहिए। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेके जो चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे भारत में, पूरे देश में, यानी कि हम ये भी मान सकते हैं पूरे देश भर और पूरे विदेश में भी इसकी चर्चा बनी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सिविल कोर्ट में पेशी का भी दिन था, जिसमें जब वहाँ पर जब वकील गए, जो दोनों पक्ष के अधिवक्ता गए और कमिश्नर गए, वकील कमिश्नर, तो उसमें जो साफ तौर पर ये निर्णय दिया है सिविल कोर्ट ने, वाराणसी की सिविल कोर्ट ने, कि जो वादी पक्ष के जो अधिवक्ता थे उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन के समय के लिए उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया जिसमें 2 दिन का समय दिया गया, परंतु जो प्रथम वादी पक्ष के जो वकील कमिश्नर अजय मिश्रा जी थे उनको हटा दिया गया है। बड़ी खबर है ये, उनको हटा दिया गया है और अब 2 कमिश्नर जो हैं वही उनको पूरी तरीके से जाँच बनाएंगे और जाँच करेंगे। और सवाल इस बात की खड़ा हो रही है कि अभी इन दिनों 2 से 3 दिनों में एक वीडियो जो कि चर्चे में बना हुआ है, उसको बताया जा रहा है कि वाराणसी की जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर एक कुआं बना हुआ है। अब सवाल इस बात का खड़ा है कि कुएं में शिवलिंग है। अब देखिए, हिंदू पक्ष जो है, जो वादी पक्ष जिसको बोला जाता है, वो कह रहा है कि ये शिवलिंग है। तो अब मुद्दा इस बात की है कि जो प्रतिवादी पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो कह रहा है वो फुहारा है और हम लोग बरसों से उसमें वजू करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम जानने के लिए आए हैं, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टिंग चलेगी और गदौलिया चौराहा जो कि वाराणसी का मुख्य चौराहा माना जाता है, आज हम एक युवा से जानेंगे जो काशी के युवा हैं और काफ़ी ज़्यादा सामाजिक सेवा में जुटे रहते हैं। तो हम इनसे ही जानेंगे क्या कुछ सच्चाई है और क्या कुछ ये अपने नज़र से देखते हैं। क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वाराणसी में इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बवाल से छिटा हुआ है ज्ञानवापी और माँ श्रृंगार गौरी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया कि भैया अब 29 तारीख का इंतज़ार करें आप लोग, और जो नमाजियों के लिए नमाज बंद कर दिया गया था कि 20 के संख्या में नमाज पढ़ने लोग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग मिल गया था तो कहीं ना कहीं बाधा आता। तो काशी की जनता सुप्रीम कोर्ट के इस संदेश को, इस आदेश को कैसे देखती है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है, और वाकई में अगर वहाँ पर शिवलिंग मिला, शिवलिंग मिलने के बाद एक स्थान को बंद किया गया, ये ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में पूरे स्थान को नमाज, माने भारत ये है, ये कानून से चलता है, धार्मिक स्वतंत्रता है सबको, और धार्मिक स्वतंत्रता सबको प्राप्त करने का अधिकार है, हमारा भारत है। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नमाजियों को जो उनकी नमाज है वो वहाँ पे जारी रखने का आदेश दिया गया है, ये वास्तव में स्वागत योग्य है, सबका अपना धार्मिक अधिकार। पक्ष कह रहा है हम लोग बरसों से वजू करते हुए आ रहे हैं उसी कुएं में, उसी तालाब में जिसको कुआं बोला जा रहा है, तो क्या कुछ सत्यता है? उसको फुहारा भी दर्शाया जा रहा है, और हिंदू पक्ष जो वादी पक्ष है वो कह रहा है कि ये बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, क्या कुछ सत्यता है इसमें? देखिए, शिवलिंग बनाम फवारा, और वाकई में उस स्थान का सर्वे हो रहा है जो स्थान बहुत विवादित है, जैसा कि मस्जिद, और मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ, और नीचे बहुत तथ्यात्मक चीज़ें मिली हैं, तो उसे हम इंकार नहीं कर सकते हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, ये सर्वविदित है। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जब जांच चल रही है, कमीशन की प्रक्रिया चल रही है, और जो कमिश्नर हैं वो, उनको शक होता है, वो खुदवाई करवाते हैं, और वहाँ पर तालाब का पानी ख़त्म होने के बाद एक शिवलिंग मिलता है, और मैं आपको बता दूँ पूरे भारत की, क्या पूरे विश्व की जनता के अंदर ये कौतूहल का विषय है, क्या वो ज्योतिर्लिंग है, क्या वो स्वयं बाबा विश्वेश्वर का लिंग है, ये अपने में ही एक सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अभी जो है वादी पक्ष के द्वारा देखा गया, और उसके बाद क्या कहते हैं, पब्लिक डोमेन में आया। फिर दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर कोई चीज़ आया तो उसको कोर्ट वेरीफाई करेगा, उसके बाद भी एक लंबी प्रक्रिया होती है कि जो भी चीज़ें हमको अगर मिलती है, 100 साल पुरानी हो, 200 साल पुरानी हो,
तो उसके लिए पुरातत्व विभाग है, एक एक चीज़ की जांच होती है। तो मुझे लगता है कि मैं मान सकता हूं कि 70% शिवलिंग है, क्योंकि वो स्थान ऐसा है। और फिर चौथा सवाल आता है कि नंदी, और नंदी के ठीक सामने बाबा विश्वनाथ जो विश्वेश्वर शिवलिंग जो कहा जा रहा है वो है। तो ये ऐसा भी कहा गया है कि वो फुट की दूरी पर तय करेगा कितने फुट पे है, 5, 7, 11, 13, और ये भी कहा जा रहा है कि सीध कितनी है ये प्रमाणित करेगा। तो मैं मान सकता हूँ कि 80% शिवलिंग है, और 20% मैं ये मान सकता हूँ कि ये जांच का विषय है, और ये इसको पुरातत्व विभाग जांच करके और राष्ट्र के सामने लाएगा, तब इसे माना जा सकता है। सवाल पे सवाल छिटे हुए हैं, और याचिकाकर्ता जो वादी पक्ष के याचिकाकर्ता हैं, अब वो कह रहे हैं कि जो नंदी के सामने वाली जो दीवार है उसको तोड़ के सर्वे कराया जाए। क्या 3 दिन का सर्वे संतुष्टि नहीं माना जाएगा वादी पक्ष के लिए? देखिए, सेंसिटिव मामला है, मस्जिद है, और इतना देश इस समय हमारा विकास की ओर जा रहा है, और हम राष्ट्र की अगर बात करते हैं, जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ये अगर हम बात करते हैं वर्शिप एक्ट, वर्शिप एक्ट में एक ही मामला फंसता है कि मंदिर का स्थान का जो विवादित स्थान है कोई भी, उसका करेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए जैसा कि कहा गया है। वहाँ पर ये वादी पक्ष के द्वारा ये कहना कि मस्जिद की दीवार को तोड़ना और जो नंदी के ठीक सामने है, ये लगता है कि न्यायोचित नहीं है। ये कानून का विषय है, न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेशित होगा उसे स्वीकार करना चाहिए। किसी की दीवार तोड़ना क्या है, ये कानून का विषय है। हम किसी चीज़ को लेकर याचिका देने जाएँ ये ठीक नहीं लगता है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव मामला है। आपको भी पता है कि कितना गंभीर मामला है, इसकी गंभीर से आप देख समझ सकते हैं कि तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, भड़काऊ बयान आ रहे हैं। तो ऐसे मामलों में बड़ा सोच समझ के लोग अगर सोशल मीडिया में भी तमाम पोस्ट कर रहे हैं तो भावनात्मक होके नहीं, हमें पूरी चीज़ें न्यायपालिका पर छोड़नी चाहिए। अभी तक क्या था, सिविल कोर्ट था, सिविल कोर्ट के बाद जो प्रतिवादी पक्ष है जो कि मुस्लिम कमेटी के लोग हैं वो अब गए हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट ने 20 तारीख का डेट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो गए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डायरेक्टली याचिका दायर किया कि ये सब जो हो रहा है वो गलत है, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ये भी याचिका डाला कि अब तो नमाज पे भी रोक लगा दिया। क्या नमाज पे रोक लगाना ये उचित लग रहा है आपको? देखिए, मैंने जैसा पहले भी बोला कि सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त करने का अधिकार है, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहा गया और यहाँ के द्वारा भी आदेशित किया गया, तो कुछ सोच समझ के किया गया होगा। नमाज पे रोक नहीं, संख्या निर्धारित की गई, और संख्या निर्धारित करने के बाद क्या कहते हैं नमाजियों को, क्योंकि जैसा कि वहाँ पे जो वजू खाना है वहाँ पे पानी को खाली करा के, और ऐसा भी कहा जाता है कि नमाज के पूर्व वजू खाने में जाना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़े, तो इसके कारण वो किया गया। लेकिन सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून का विषय है, न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। और जहाँ तक बात है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, हमारा भारत संविधान से चलता है, आस्था धर्म से चलता है, लेकिन जो सर्वपल्ली है वो कानून है, और सबको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला मंच है, लोग जाएं अपनी बातों को रखें, और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो स्पष्ट होगा वो आदेश सर्वविदित होगा, और जन जन को पता होगा क्या आदेश होगा। अच्छा, हमारे कुछ दर्शक हैं, दर्शकों का हमारे ये सवाल है कि पक्ष दोनों हैं, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, बनारस एक सांस्कृतिक शहर माना जाता है, मोदी जी का सांस्कृतिक क्षेत्र भी माना जाता है, और इस जगह पे विवाद, और इस विवाद को आम जनता जो कि बनारस की एक युवा है, आप भी एक युवा हैं अभिषेक जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे ये आराम से सलट जाए, आसान तरीके से ये मुद्दा सलट जाए, कुछ एक संदेश दीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जो प्राचीन धरोहरें हैं वो हमें मिलनी चाहिए, और नो डाउट अयोध्या का जैसे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मामला सलटा, राम का जन्म हुआ, मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और काशी जो भगवान शिव की नगरी है वहाँ पर स्वयं विराजमान है भगवान शिव, 350 पुराना मंदिर, और उसके बाद यहाँ पर शिवलिंग है, मंदिर की पश्चिम दीवार कहती है। तो मुझे लगता है कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल भी जाना चाहिए, मुस्लिम बंधुओं को जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े मौलाना हैं उनको आगे आना चाहिए, आखिर ये सोचिए विवाद कब तक चलता रहेगा, और उन्हें हमें लगता है कि कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया होती है, कोई की हार होती है, कोई की जीत होती है। हमारे जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े संत महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, और साथ में जो मुस्लिम पक्ष के जो मौलाना हैं, मौलवी हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, एक टेबल पे बैठ के सामंजस्य की स्थिति करनी चाहिए, जैसे कि सब जो हमें हमारी धरोहर है हमें मिल जाए, और वास्तव में जिस दिन ये हो जाएगा, मथुरा और काशी हमें आउट ऑफ कंट्रोल मिल जाएगा,
तो आप समझिए कि भारत में जो मुस्लिम है उनकी जो इज्जत होगी वो पूरे विश्व में एक उच्चतम स्तर की होगी, और हम हिंदू उन्हें अपनी सर आंखों पे रखेंगे अगर वो ऐसा करते हैं तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। ज्ञानवापी मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? बोलने से साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं चाचा जी हैं, हालांकि युवा हैं अभिषेक जी। बहुत ही अच्छी बात बताएं अभिषेक जी। एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, एक सवाल ये आ रहा है कि अंदर शिवलिंग तो मिला ही है, सर्वे भी हो गया, अब 3 दिन के सर्वे के बाद फिर से एक याचिका डाल दिया वादी पक्षों ने कि अब एक बार और सर्वे कराएं, और सर्वे में भी उन्होंने मांगा क्या कि दीवारों को तोड़कर। तो क्या ये लगता है फिर से सर्वे करना और फिर से जस्टिस, फिर से कोर्ट, फिर से वही फैसला, फिर से वही तारीख पे तारीख, ये सब क्या उचित है? देखिए सर्वे मस्जिद की गुंबद, मस्जिद का ऊपरी भाग, वजू खाना और बाकी बाहरी दीवारों का हुआ, लेकिन मामला ये फंसता है जो वादी पक्ष के द्वारा दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि जो वजू खाना है, जो शिवलिंग है, आखिर वो शिवलिंग कहाँ तक जा रही है, और नंदी के सामने का पोर्शन और शिवलिंग जो वजू खाना के 10-15 फीट नीचे है वो वास्तव में बहुत कुछ प्रमाणित कर सकता है, नीचे अर्घा भी मिल सकता है। फिर उसके बाद बात आती है श्रृंगार गौरी प्लस पश्चिमी दीवार। श्रृंगार गौरी जब आप जाते हैं तो पश्चिमी दीवार को देखते हैं तो मंदिर को तोड़ के जो मलबा से मस्जिद का निर्माण किया गया, मलबा नीचे है और कहा जाता है कि बहुत टन, कई टन मलबा है, तो वहाँ पे जो भग्नावशेष हैं, पुरातात्विक चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हैं, वो भी मिल सकती हैं। और मुझे तो लगता है कि वो जिस तरह शिवलिंग के लिए एक इसमें की पॉइंट हुआ है, उसी तरह पश्चिमी दीवार की बात होती है जो वादी पक्ष के द्वारा किया गया है, इससे पूरा मामला पलट जाएगा और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुन रहे थे, काशी के युवा हैं और समाज सेवी भी हैं, अभिषेक इनका नाम था। इन्होंने पूरी तथ्यों को समझाया, पूरी वाक्यों को समझाया, और पूरी तरीके से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आज फैसला दिया कि अब 19 तारीख के डेट का इंतजार करेंगे, और जो याचिका डाला गया था, और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि जो मुस्लिम जो प्रतिवादी पक्ष हैं उनको मस्जिद के अंदर 20 लोगों की अनुमति दी गई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी साफ तौर पर झटकारा और वो बोल दिया कि इसमें नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार का रोक ना लगाए। हाँ, जहाँ पर शिवलिंग मिली है उसको बैरिकेडिंग की गई है, जो कि CRPF के जवान उसको बैरिकेडिंग करेंगे जब तक कि फैसला ना आ जाए, परंतु नमाज से कोई रोक टोक नहीं रहेगा, ये हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट का पूरी तरीके से जजमेंट आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, RVOICE News।